हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये वाला बैक नेक डिज़ाइन शेयर किया था। देखिए, बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है सिंपली कॉन्ट्रास्ट कपड़े का यूज़ करके। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में देखिए, मैं आपको इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी। फ्रंट से इसको देखिए, हम 3 पीस प्रिंसेस कट बनाएंगे। 32 साइज़ का ये ब्लाउज है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच जितनी जगह छोड़ेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ पर देखिए, हमारी हुकाई पट्टी बनेगी। नीचे की तरफ हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। कपड़े को यहाँ से हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है उसमें आपको देखिए यहाँ पर 2.5 इंच प्लस कर लेना है, 2.5 इंच, या फिर आप 3 इंच प्लस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें हम कमर पट्टी है वो अलग से नहीं लगाएंगे, इसी को हम इसमें फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 15.5 इंच पर निशान लगाया है लेंथ के लिए। एंड शोल्डर यहाँ से हम 5 इंच लेंगे। एंड आर्म होल्स यहाँ से हम देखिए 5.25 इंच यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। डिप नेक के अकॉर्डिंग हमें देखिए ये शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट ले लेना है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। 32 का हम 4th पार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 इंच आएगा। और यहाँ से देखिए, इसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल की तरफ से, क्योंकि इसमें हम जो प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे उसके लिए हमें ये 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और साइड से स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, देखिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से ये निशान देखिए, हमें 12.5 इंच पे लगा लेना है। और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, हमारी हुकाई पट्टी की लाइन है। इसके बाद देखिए, जो हमने बेल्ट के लिए लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए, हल्का सा इसमें कर्व दे देंगे इस तरीके से। हमें इसमें गोलाई कर देनी है बेल्ट के लिए। इसके बाद देखिए, हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। चेस्ट का हमें यहाँ पर देखिए ये 10वां भाग लेना होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखिए, इसमें हम 1.5 इंच की यहाँ पर डार्ट लगाएंगे, 1.5 इंच की। और ऊपर की तरफ हम एक इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और यहाँ से देखिए, इसमें हल्के हाथ से ऐसे गोलाई करते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसको आगे की तरफ मिला देंगे, बीच सेंटर में यहाँ पर हमें इसको मिला देना है, ये देखिए। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज़ के लिए देखिए, इस ब्लाउज़ के लिए आप मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक ब्रिथ यहाँ से देखिए, हम 2.25 इंच रखेंगे। और नेक लेंथ यहाँ से देखिए, इसमें हम 6.5 इंच रखेंगे। नेक लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ से देखिए, इसमें हम नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसमें देखिए सिंपली राउंड नेक बनाऊंगी। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो कोई इसमें डिफरेंट डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है, अभी इसको देखिए हम यहाँ से कट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अभी देखिए, मैंने यहाँ से बेल्ट को कट कर लिया है। और साइड से देखिए, इसको हमें 1/2 इंच जितना इस तरीके से यहाँ से हल्का सा कट कर लेना है, ये देखिए। इस वाले पीस में से भी हमें ऐसे कट कर देना है। इसे जो हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग है बहुत ही अच्छे से आएगी, हमारे ब्लाउज़ के आर्म होल में रिंकल्स नहीं आएंगे, तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, हमारा जो यहाँ पर बेल्ट है ये एक्स्ट्रा है, तो इसका यहाँ पर देखिए हम कमर का 4th पार्ट करेंगे। और यहाँ से सिलाई मार्जिन लेंगे, ये देखिए इतना ये एक्स्ट्रा है। तो इसको हम कट करके बाद में निकाल देंगे, जब हम इसमें ब्लाउज में अटैच करेंगे बेल्ट को, उस टाइम हम इसको निकाल देंगे। और अभी देखिए, जो हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट का शेप दिया है, इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा 3 पीस यहाँ पर बन चुका है। अभी इसको हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक के ऊपर इसको फैब्रिक ग्लू यहाँ पर फेविकोल लिया हुआ है और इसकी हेल्प से यहाँ पर चिपका लिया है। इसे जो हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है और हमारा जो काम है बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए फेविकोल से इसको अस्तर को चिपका सकते हैं या फिर आप चाहो तो यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के भी इसको पक्का कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके यहाँ पर देखिए इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। मैंने चारों तरफ से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर लिया है और यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट वाले कपड़े को नहीं चिपकाया है, इसको हम ऐसे ही अटैच करेंगे। और मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी कट करी हुई है, 3 इंच की मैंने स्लीव्स कट की हुई है। यहाँ से मैंने इसको 2.5 इंच डाउन किया हुआ है, ये देखिए। तो चलिए गाइस अभी इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में ये पाइपिंग ली हुई है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे देखिए, और इसमें एक स्टिच लगाएंगे। पाइपिंग से इस ब्लाउज के जो डिज़ाइन है इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा और जो प्रिंसेस कट का शेप है इसकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। तो आप यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं या अगर आप चाहो तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं। अभी देखिए इस पीस को ऐसे हम ऊपर रखेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए इसको हम अटैच कर लेंगे। जो हमने देखिए पाइपिंग में सिलाई लगाई है ये दूसरी तरफ हमें सिलाई दिखाई दे रही है, तो इसी सिलाई के ऊपर हम फिर से सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है वो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग यहाँ पर अटैच होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो लुक है कितना अच्छा आया है, कितना अच्छा पफ यहाँ पर देखिए बना है, आप देख सकते हैं ये देखिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए इसमें इजीली पाइपिंग लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर भी इसमें पाइपिंग अटैच करूँगी। तो यहाँ पर हम देखिए इस पाइपिंग को इस तरीके से रखेंगे, इसमें जो धागा डाला हुआ है मैंने ऊपर की तरफ किया है देखिए, और यहाँ पर सिंपली इसमें हम स्टिच लगाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेल्ट लेंगे। बेल्ट को देखिए हम अलग अलग अटैच करेंगे, जो मेन फैब्रिक है इसको देखिए हमें ऐसे रखना है ये देखिए, और यहाँ पर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए जो हमने पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई थी वो दूसरी तरफ हमें सिलाई दिखाई दे रही है, तो इसी सिलाई के ऊपर हम फिर से सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी पाइपिंग है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अटैच होगी ये देखिए। तो पहले मैंने यहाँ पर देखिए मैन फैब्रिक को इस तरीके से रख के अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं पाइपिंग। और अभी देखिए जो अस्तर वाला पीस है इसको हम यहाँ पर रखेंगे, तो जो हमारा बेल्ट का जॉइंट है वो दिखाई नहीं देगा, एकदम गुम तरीके से ये अटैच हो जाएगा ये देखिए, इस तरीके से रखना है। ध्यान रहे जो अस्तर का फैब्रिक है वो हमें नीचे की तरफ रखना है और जो मैन फैब्रिक था वो मैंने ऊपर की तरफ रख के अटैच किया था ये देखिए। अभी देखिए इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से, इसको सीधा करने के बाद देखिए इसमें हम चारों तरफ स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से। और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके इसकी अच्छे से हमें फिनिशिंग कर लेनी है। साइड से भी जो एक्स्ट्रा बेल्ट है इसको हमें कट करके निकाल देना है ये देखिए। तो देख सकते हैं गाइस कितने फिनिशिंग के साथ हमारा ये पीस यहाँ पर रेडी हो गया है ये देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें हम हुकाई पट्टी बनाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए इसमें हम हुक्स पट्टी बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हुक्स पट्टी अटैच कर ली है। तो ये देखिए हमारा पीस यहाँ पर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पीस भी रेडी कर लेना है, दूसरी तरफ हमें हाई की पट्टी बना लेनी है ये देखिए। अभी देखिए इसका हम नेक रेडी करेंगे। तो
तो इसके लिए देखिए इसमें हम डोरी वाली पाइपिन बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसमें डोरी वाली पाइपिन बनाना भी बता देती हूँ। इसके लिए मैंने देखिए एक उरेप पट्टी कट करी है, इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन 1.5 इंच ली है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये धागा लिया हुआ है, इस धागे को हम यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। हमें इस कपड़े को 1/2 इंच जितना फोल्ड करना है और यहाँ पर देखिए स्टिच लगा लेनी है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप देखिए पाइपिंग बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग रेडी कर ली है, अभी हम इसको नेक में अटैच करेंगे। तो देखिए जो हमने ये फोल्ड किया था इस वाले कपड़े को हम ऐसे नीचे की तरफ करेंगे, इस तरीके से हमें इस पाइपिंग को यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर देखिए हमें 1/2 इंच जितना एक्स्ट्रा छोड़ देना है इसको यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। और देखिए यहाँ पर इसको हम अटैच करेंगे इस तरीके से, एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम इसको नेक में अटैच करेंगे। ये देखिए ये सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फिर से एक सिलाई लगानी है जो हमने पहले सिलाई लगाई है धागे के पास में, फिर से हमें वहीं पर एक सिलाई और लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद देखिए नीचे की तरफ जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखिए इसको हम कट करेंगे। तो इसको आप यहाँ से ध्यान से कट करें, यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो नहीं कटना चाहिए यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ पर जो इसका आगे की जो हमने एक्स्ट्रा पाइपिंग छोड़ी थी नोक के लिए इसको फोल्ड करेंगे ये देखिए, और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर नीचे की तरफ भी स्टिच लगा सकते हो, ये देखिए। तो इस पाइपिंग को ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करते जाना है और इसमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए गाइस बहुत ही इजी तरीका है, इस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन में इस पाइपिंग को इजीली अटैच कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है इसको लगाना। तो ये देखिए गाइस हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखा देती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये इक्वल शेप में पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। और जो नेक की जो फिनिशिंग है बहुत ही कमाल की आई है, ये देखिए कहीं से भी ये नेक उठा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पाइपिंग ईजिली लगा सकते हैं, इस वाले मेथड को आप ज़रूर से ट्राई करें। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड भी नेक में पाइपिंग लगा लेंगे। तो मैंने देखिए पाइपिंग लगा ली है। तो ये देखिए दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं, अभी सिंपली हमें यहाँ पर बैक पार्ट को जॉइंट कर लेना है, इसमें स्लीव्स लगा लेनी है और फिटिंग लगा लेनी है, जो कि मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।